नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे नवग्रहों के बारे में। जिंदगी में दुख तकलीफें तो आती हैं, हम नहीं जानते हमारा कौन सा ग्रह खराब है जिसके कारण हमें ये दुख या तकलीफ मिल रही है। पर क्या आप जानते हैं इन सभी ग्रहों का कोई एक उपाय भी हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी एक आसान सा उपाय। आप चाहे किसी भी ग्रह से पीड़ित क्यों ना हो, जन्म कुंडली में चाहे कोई भी आपका ग्रह बैठा हो, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। हम घर बैठे बैठे अपने सब ग्रहों को अपने आप ठीक कर सकते हैं। ये एक महा उपाय है। आइए जानते हैं वो महा उपाय कौन सा है। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमें लेना है 7 प्रकार का अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, कोई भी 7, उसमें दालें भी मिला सकते हैं, काली दाल, पीली दाल, हरी दाल, कोई भी आप दालें मिला लें। मतलब हमें 7 प्रकार का अनाज लेना है, उसमें थोड़े से तेल डाल लें और थोड़ी शक्कर डाल लें, उसको एक डिब्बे में भर कर रख लें, 1/2 किलो, 1-1 किलो, ताकि वो ज्यादा मात्रा में थोड़ा होए, और उसमें से रोज 1 मुट्ठी भरकर अपने घर की छत पर डालें, और साथ में एक कटोरे में, किसी बड़े बर्तन में या मिट्टी के कोई भी एक ले लो बड़ा सा, उसमें पानी डालकर भी रखें। जब भी पक्षी आए दाना भी खाएं और पानी भी पिए। अगर आपके घर की छत पर पक्षी नहीं आते तो फिर आप किसी मैदान में जाकर उस दाने को डालें ताकि पक्षी उनको खा लें। ये एक महा उपाय है। ये सुख समृद्धि देता है, शांति देता है, कारोबार में वृद्धि करता है, नौकरी देगा, आर्थिक तंगी को दूर करेगा, संतान सुख देगा, शारीरिक कष्टों से बचाएगा, कोर्ट कचहरी के मामले नहीं होंगे। इस महा उपाय को यदि लगातार किया जाए तो कभी भी जिंदगी में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए इस उपाय को आप जरूर करें और 2-3 महीने कर देखें और फिर देखें इसका क्या लाभ होता है। यदि हम बिना किसी कारण भी इसको करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी और हम हमेशा सुखी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।